सबसे गंदा मन है इसका, क्योंकि इससे तो हिल भी नहीं रहा। किसी चीज के लिए इन्होंने अभी तक मना नहीं करा होगा कि नहीं मैं नहीं खाऊं। सभी डर के भागे निकाले जा रहे जबरदस्ती कि जाओ जाओ जाओ। सो गाइस फाइनली हमारी सुबह हो चुकी है और हम दोनों नहा धो के पूरे रेडी हो गए। रेडी तो नहीं हुए, मतलब अब होंगे रेडी, पर नहा धो के आ चुके हैं हम बाहर और यहाँ की धूप बहुत प्यारी लग रही है क्योंकि और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। मतलब क्या ही बोले, ऐसा लग रहा है ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगी आपको लोकेशन है। और अभी कमली और मैं तैयार होके जा रहे हैं बड़कोट अर्पित भैया के पास जहाँ उनका एग्जाम था, फिर हम वहाँ से घूमने जाएंगे। हम राड़ी कोई जगह है, वहाँ बर्फ भी पड़ी है गाइस, तो मैं आपको बर्फ भी दिखाऊंगी। तो ठीक है, मिलते हैं राड़ी पहुँच के, बाय। तो गाइस हम लोग रेडी होके निकलने वाले हैं नौगांव के लिए, जहाँ हमें मिलेंगे अर्पित भैया। नहीं, नौगांव में नहीं मिलेंगे, हमें बड़कोट में मिलेंगे क्योंकि बड़कोट की बस नहीं है इधर। पर हमें टाइम भी तो हो गया ना, तो भैया हमें क्या पता नौगांव लेने आए। अगर हम पहले पहुँचेंगे तो हम चल जाएंगे बड़कोट, फिर हम वहाँ से जाएंगे राड़ी। हाँ, तो फिर वहाँ हम घूमने जाएंगे, तो हम आपको वहाँ के म्यूजिक मिलेंगे बहुत प्यारे। तो तब तक के लिए इंतजार करिए। सो गाइस फाइनली हमें अर्पित भैया मिल चुके हैं, पर वो भाव खा रहे। और वो अभी भी नहीं आ रहे मेरे ब्लॉग में, बुलाने के बावजूद इज्जत से भी बुलाओ तब भी नहीं आ रहे। यार मेरी वजह से तू वायरल हो जाती है, इसलिए नहीं आना चाह रहा हूँ मैं। फेमस हो जाते ना। आपका एग्जाम कैसे गया सबके सामने बताओ पहले। कौन सा एग्जाम गाइस? अगली ब्लॉग में हम पटवारी के साथ ब्लॉग बनाते हुए दिखेंगे, भैया पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं। फिल्टर तो अच्छा लगा। आज हम रेडी हो चुके हैं, कहाँ जाने के लिए? हनोल जाने के लिए। हनोल जाने के लिए, और मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ। ये देखो, ये अंकल जी ने घर में बनाया मक्खन। ये देखो बुरे लोग, कोदे का रोट रोटी, कोदे की रोटी है और हाँ। आलू गोभी की सब्जी है। उन्होंने तो गलत बताया, जैसे उनको कोद बोला उन्होंने ना, कोदे का रोट बोला होता है। ये रोटियां हैं छोटी, और ये बनाया हमारी प्यारी भाभी ने। भाभी को भी दिखाओ, ये हमारी प्यारी भाभी हंसती रहती है हमेशा, हम बहुत प्यारी है। और डरती है जब, तो बोलती है मुझे भारत छोड़ दो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हनोल मंदिर, और ये है महासु देवता जी का मंदिर है हनोल में। और यहाँ पे हमें दिखे हैं, यहाँ पे दो पत्थर हैं, चमत्कारी पत्थर, जो कि जैसी श्रद्धा ये मानी जाती है कि जिसका मन साफ होगा और अच्छे मन से उठाने की कोशिश करेगा उठ जाएगा। अगर कोई घमंड दिखाएगा कि अरे मैं तो उठा लूंगा छोटे छोटे पत्थर, उससे नहीं उठता, जैसे कमली से नहीं उठाए। तो अभी देखते हैं हम लोगों से उठता है कि नहीं उठता, किस किस से उठता है। आपको गाइस रुको, तो सबसे पहले ट्राई करेंगे गौतम भैया, तो देखते हैं गौतम भैया उठा पाते कि नहीं, मन साफ है या नहीं, देखते हैं जरा। गंदा हो गया। वाह, हो गया, वाह। चलो अब सचिन की बारी। सचिन भैया बहुत इजीली भैया ने बहुत इजीली उठाया है। ये दिख रहे हैं छोटे, ये इतने छोटे हैं नहीं। हाँ, छोटे हैं लेकिन भारी भारी बहुत है। भीम के कंचे इनको कहा जाता है। अब कमली का टर्न है। मेरे टर्न तो पहले फेल हो गई थी वीडियो स्टार्ट होने से, बट हम इसको भी चलो कमली की बारी। चलो प्राची, हम ये देखेंगे कमली का मन साफ है। सबसे गंदा मन है इसका, क्योंकि इससे तो हिल भी नहीं रहा हो। मैं उठा के तेरे हाथ में। चल चल, हाथ तोड़ने का मतलब। तो तू खड़ी उठती रहा, मैं उठा के दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे अरे आ जा, देख एक बार, ट्राई करना, ट्राई कर। हाँ चलो ट्राई। पैर दूर रखना है, पैर में मत लगा देना बस। पैर दूर रख, गिर गई। इसका मन सबसे गंदा है। ये सबसे बड़ा वाला, ये सचिन ट्राई करेगा। इतना भी काफी है। ये दूसरा पत्थर गाइस, ये थोड़ा बड़ा है और भारी, बहुत ज्यादा भारी है। पर सचिन भैया हैट्स ऑफ, आपने उठा दिया भैया ध्यान से। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, सबसे साफ मन मेरा था। नहीं नहीं नहीं, सबसे साफ मन मेरा था, मैंने एकदम ही उठा लिया था। और सबसे बुरा मन सचिन भैया का।
सो गाइस ये है महासू देवता का मंदिर, एक रेनोवेशन होती थी ना, देख सकते हो आप। हेलो सो गाइस, आज हम पहली बार आए हैं अर्पित भैया के साथ महासू देवता मंदिर। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और आज हमने भीम के कंचे उठाए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ कैमरामैन कमली समान दादा कैमरे के पीछे। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे आके, और कुछ नहीं, आप देख सकते हो। फोटो खींचते हैं यहाँ पर। हाँ चलो गाइज, अब हम फोटो खींचने में बिजी हैं, बाय। तो गाइज, मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ घूमने, और जिन जो जो लोग मतलब कोई भी मेरा सॉन्ग्स वगैरह देखते होंगे तो उन्हें पता होगा ये कौन से गाने की लोकेशन है, तो कमेंट्स में जरूर बताना ये कौन से वाले गाने की लोकेशन। वैसे तो बहुत ईजी है, लोग समझ ही जाएंगे, पर फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कितने लोगों को पता है। तो बाकी का ब्लॉग बाद में बनाऊंगी। सो गाइज, हम लोग सारी जगह घूम के अब आए हम घूमने मेले में। किस किस को चरखी में बैठना बहुत पसंद है मेरी तरह, और दीदी की तरह भी। ये अर्पित भैया की बहन है, छोटी बहन, बड़ी बड़ी बहन, बड़ी बहन, बड़ी बहन। तो अब हम चरखी में बैठे गाइज। कौन कौन वो ड्रैगन में, ड्रैगन तो दिखी नहीं रहा, ड्रैगन में बैठा है। पूर्वला के मेले में आए हैं और हम बैठ रहे हैं ड्रैगन में, उस पर बैठेंगे चरखी में। और भाभी पहली बार बैठ रहे, भाभी कहाँ चले गए? भाभी डर के भागे। ड्रैगन में बैठ गए, अब हम जा रहे हैं चरखी में बैठने। और ड्रैगन में भाभी बहुत डरी। कैसा लगा आपको ड्रैगन में बैठ के? बहुत मजा आया, और मैं पहली बार बैठा इसके ऊपर। मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है। चरखी में, चरखी में ना बिल्कुल ना बैठ, चरखी में ना मैं बैठ। मैं तो चिल्ला रही थी जब मुझे डर लग रहा था, मैं भी चिल्ला रही थी। सब बनाना सब पेट चले। हां बोल रहे हैं, ये बना देना मुझे, चलते बहुत हो गया। तो गाइस, चरखी में बैठ के इनको लग गई बहुत भूख, तो अब हम आए खाने। आप क्या क्या खाएंगे? मोमोज, सारी चीजें ट्राई करेंगे, देहरादून के हैं, हम सारी चीजें ट्राई करेंगे, खाएंगे। यहाँ पर है गोलगप्पे, ट्राई करेंगे। अच्छा, ट्राई करेंगे, सही है, ट्राई करेंगे, एक एक प्लेट लेंगे सारी चीज, सही है। सो गाइस, फाइनली हम लोग मेले से घर पहुंच चुके हैं, और आंटी ने मेले से आते ही हमारे लिए बनाई है। भैया क्या बनाई है? बाड़ी, बाड़ी बाड़ी, और अभी हम खा रहे हैं इसको। बहुत टेस्टी है, थाली में दिखाओ कैसे। लो देखो, देखिए गाइस, हां बहुत ज्यादा टेस्टी हो रही है। और इसमें घर का देसी घी भी है। आप अगर मतलब, हाँ इसमें घी भी है, तो अगर आप इस साइड आओगे कभी पुरकला उत्तरकाशी या रवाई साइड, अभी देख कर आ जाना बाड़ी खाने। घर मत आना पर बाड़ी जरूर खाना, जहाँ भी मिले। बाय गाइस। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं गौतम भारद्वाज, आज हमारे साथ है अर्पित शिखर, प्राची पवार, भाभी, ईशु और पापा जी, और यहां पर बन रहे हैं डिंड के। ये मंडवे के आटे से बनते हैं और इसको घी में खाते हैं, जैसे कि ईशु ने अभी 20 खा लिए हैं सामने सामने बनते बनते। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी मेहनत चल रही है, रात के बज रहे हैं 12, नहीं बज रहे हैं अभी 10:30 हो रहे हैं। सो गाइस, आज हमारा मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में है अस्के, अस्के ना, और ये भंगजीर और तिल से बनता है। हाँ जी। और ये ना बहुत टेस्टी हो रहा है, देखो आप देख सकते। चावल के आटे से जो ये नीचे की काइंड ऑफ आप टो बोल सकते हैं उसके, जैसे मतलब रोटी टाइप बनाते हैं, ठीक है, घोल बनता है, घोल बनने के बाद इसको तवे पे डालते हैं जैसे डोसा बनता है, उसके बाद ऊपर से जो ये स्टफिंग तो चलो अंदर होती है, बट हाँ बोल सकते हैं आप, जो ऊपर से डाला है ये मिक्सचर होता है गुड़, तिल या भंजीर में से कुछ चीज़ यूज़ कर, और नारियल भी डालते हैं, और इसको खाते हैं स्पेशली घी के साथ, खाना ही खाना है। मस्त, देखो ये बहुत टेस्टी तो है, ये घर का देसी घी है और इसके साथ ये बहुत टेस्टी हो रहा है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई करो। आप घर पे बना सकते हैं, रेसिपी मुझसे पूछ लेना, डीएम में मुझसे रेसिपी पूछ लेना। आप रेसिपी क्यों नहीं डालते अपने यूट्यूब चैनल पे? क्योंकि मैं गांव में नहीं रहता ना, गांव में अगर यहां पे परमानेंट रहता तो मैं जरूर डालता। सो कैसे लगे आपको मेरे बनाए हुए गुलाब जामुन? मेरे बनाए हुए? भाभी पीछे से देख रही है क्या बोल रही है।
गाइस किसी ने खाए है ना तो सिर्फ ये इन्हें देख लो बस आप, इन्होंने खाए सारे। और दूसरा ये किसी चीज के लिए इन्होंने अभी तक मना नहीं करा होगा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, फॉर्मेलिटी के लिए भी मना नहीं करा एक बार। भैया भैया की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। क्या बात, मेरी तारीफ है। कल वीडियो में आ गई थी, बाकी आपने। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं पुरोला से देहरादून के लिए और हम सबको बहुत बुरा लग रहा है और सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है गौतम भैया को। हमारा मन नहीं कर रहा जाने के ऊपर, जाना पड़ रहा है, हमें निकाले जा रहे हैं जबरदस्ती की जाओ जाओ जाओ। हाँ कमली को तो निकाल ही रहे थे, बाकी गौतम को नहीं, इसलिए मैं गौतम भैया को भी लेके जा रही हूँ। लगानी नहीं है, जाना है, लगानी क्यों है। सो गाइस थोड़ा सा सफर तय करने के बाद हम पहुँच गए लाखा मंडल मंदिर। तुमने कहा रास्ते में ही पड़ता है तो हम लोग दर्शन भी कर लेते हैं, तो अभी भैया ले रहे प्रसाद। और गाइस मुझे मधुमक्खी ने काटा। सो गाइस इस एरिया में शायद 1,00,000 शिवलिंग है पूरे, इसलिए यहाँ का नाम लाखा मंडल है और यहाँ खुदाई के टाइम शिवलिंग निकलते ही रहते। तो और आपको क्या क्या याद है बताओ जरा मंदिर के बारे में। पहले तो ये बताया गया था कि भाई इस वजह से नाम यहाँ का लाखा मंडल है, ये आज पता चला कि यहाँ पे लाखों शिवलिंग निकले हैं, लेकिन इसका नाम बहुत पहले से लाखा मंडल है। शिवलिंग तो शायद 2007 में निकले हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि लाखा मंडल इसलिए है कि लाखों शिवलिंग है। लेकिन यहाँ पे जब पांडवों को मारने की साजिश करी गई थी तो लाख का महल, इतना तो सबको पता है, लाख का महल बनाया गया था, जो कि लाख ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल जाता है, तो उसका महल बनाया गया पहले। फिर उसके बाद वो महल में आए तो उसमें आग लगा दी गई ताकि सारे पांडवस मर जाएं, ठीक है। लेकिन इस वजह से भी लाखा मंडल था पहले से नाम इसका, जो मैंने सुना था, मैंने भी वही ठीक है था। हाँ तो लेकिन यहाँ से पता चला कि लाखों शिवलिंग है। तो यहाँ पे इस जगह पे खुदाई हुई थी अभी 2007 वो।